ओके क्वेश्चन सेज पी कैन कम्प्लीट अ वर्क इन ट्वेल्व डेज वर्किंग एट आवर्स अ डे क्यू कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन एट डेज वर्क इन टेन आवर्स डे इ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग एट आवर्स अ डे इन हाउ मनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क ओके पी क्या काम बारह दिन काम किया आठ घंटा काम कर रहा है ठीक है इन टू पी कितना काम कर रहा है हम लोग को नहीं पता ठीक है लेकिन एक काम इतना करके कंप्लीट हो जाता है वन वर्क ठीक है उसी जगह पे क्यू आठ दिन काम करता है एंड दस घंटा करता है एंड कितना करता है हम लोग को नहीं पता क्योंकि एफिशेंसी नहीं पता है इन टू क्यू ठीक है और इसमें भी हम लोग को वन वर्क कंप्लीट हो रहा है सेम वर्क है इसलिए हम लोग इक्वल लिख सकते हैं ठीक है थेके? अब यहाँ काटते हैं एट कटा एट कटा ये हुआ टू सिक्स ज ट्व टू फाइव जै टेन ठीक है तो P बाई क्यू बराबर हो गया फाइव बाई सिक्स यानी कि P एंड Q का हम लोग का एफिशियंसी पता चल गया पी पाँच काम करता है उसी जगह पर Q छः काम करता है एक दिन में ओके ये पता चल गया अब बोल रहा है Q कैन कम्प्यूटर ये हो गया ये बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर मतलब ये दोनों साथ काम करें ये दोनों अगर साथ काम करेंगे तो एफिशंसी कितना होगा फाइव सिक्स प्लस फाइव एलेवन होगा ठीक है टुगेदर वर्किंग एट आवर्स डे ये दोनों आठ घंटा काम करेंगे इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क ठीक है तो इस काम को एक दिन में कितना करेंगे तो पहले हम लोग को निकालना होगा टोटल वर्क ठीक है तो इसमें दो, दोनों में ही आपका टोटल वर्क इससे भी आप निकाल सकते हो टोटल वर्क एंड क्यू को भी मान के निकाल सकते हो ठीक है जैसे कि पीक ट्वेल्व डेज काम करता है ठीक है आठ घंटा करता है इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी का एफिशिएंसी ठीक है तो ये हम लोग का टोटल वर्क हो जाएगा उसी जगह अगर आप सेम क्वेश्चन को अगर आप क्यू को मान के करना है तो क्यू के लिए आठ घंटा काम करता है दस आठ दिन काम करता है दस घंटा करके करता है एंड क्यू का एफिशियंसी ठीक है इससे भी टोटल वर्क निकलेगा आप इसको भी मान सकते हो इसको मान सकते हो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ठीक है तो हम लोगों को क्या करना है इन हाउ हाउवर डेज दे कंप्लीट द वर्क तो कितना दोनों साथ मिलकर दोनों साथ मिलकर कितना करते हैं एलेवन काम करते हैं यानी कि डिवाइड बाई 11 ठीक है आठ घंटा कर रहे हैं यानी कि इन टू एट इधर भी करते हैं देखिएगा सेम आंसर आएगा एलेवन काम आठ घंटा ठीक तो ये हो गया सिक्सटी बाई अलेवन एंड इधर भी आ रहा है आपका देखिए सिक्सटी बाई अलेवन तो अब किसी को भी मान के आप कर सकते हो ठीक है तो ये हो गया आपका एलेवन बाई तो इतना डेज में ये लोग साथ मिलकर काम को ख़त्म कर सकते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ और राइट आंसर आई होप आपको ये समझ में आया हो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं